नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव जिला व तहसील चरखी दादरी हरियाणा में है। सबसे पहले वंदे गोमातरम, गऊ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से हमारा नाता है। भाइयों जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। जो हमारे पुराने साथी हमारी वीडियो देखते हैं हर बार, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और सभी को पता आपके दादा दौला डेयरी फार्म में जैसी गौमाताएँ होती हैं उनके बारे में वैसा ही बताया जाता है। कोई बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। हम निरंतर प्रयास करते हैं किसानों को, गोपालकों को अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए और गौमाताओं के बारे में जो होता है वैसा बताया जाए, ताकि हर दिल तक गौ माता पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा कर सकें। आप भी अपने इस हर दिल तक गौ माता होनी चाहिए इस लक्ष्य में साथ दें, सहयोग दें हमारा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा गौ माताओं से जुड़ी हुई वीडियो हो या जानकारी, उसको आप अपने दोस्तों में साझा करें। तो चलिए आज आपके सामने ये 100% गिर नस्ल में मैं बताना चाहूँगा जो गौमाता है, इसका नाम सीता गौमाता रखा गया है और तीसरी बार इसने अपने बच्चे को, बेटे को जन्म दिया है। और मैं कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जब इसने बच्चा दिया है, ये उस समय की जो वीडियो आप देख रहे हो, बहुत अच्छी खासे अडर के साथ आपके सामने, और वाक्य में अति दुधारू और शांत स्वभाव की, अच्छी कद काठी के साथ है। इसका हम्प जो साइज़ है वो देख सकते हो, जो एक बुल की तरह से। और जो दूध की अगर इस गौ माता की बात करें, 16-17 लीटर की इसकी कैपेसिटी, दूसरी बार में इसने 16-17 लीटर दूध दिया हुआ है। और बहुत अच्छी स्वभाव के साथ है गौ माता। अब जो आप देख रहे हो, आधा दिन बाकी है दूध निकलने में। फिलहाल गौ माता 3-4 दिन पहले जो इसने अपने बेटे को जन्म दिया है, अभी 11-12 लीटर के करीबन जो है ना दूध गौ माता किए हुए है। बाकी जब अपने पीक पे आएगी तो पूरा अपने अडर को भी खोलेगी और अच्छी दूध के साथ जो है ना ये जो उम्मीद है उसको पूरा करेगी। आप चलते हुए गौ माता को देख सकते हो, जमीन को छूती हुई पूंछ भी, और इसके गलकंबल, इसके सिंगों की हेड, जो सिर की बात करें, प्योरिटी की जो पहचान होती है गौ माता की, सिर की जो बनावट आप देख सकते हो, और जो अच्छे इसके जो है ना कान की बनावट जो देख सकते हो, नीचे से घुमावदार मुड़े हुए जो गिर गौ माता के कान होते हैं, प्योर 100% शुद्ध जो गिर नस्ल जो गुजरात की हमें अक्सर पाई जाती है। तो भाइयों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, और आपने वीडियो को इतना मान सम्मान दिया उसके लिए आपको का शुक्रिया अदा करेंगे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।